उत्तराखंड मांगे भू कानून। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। लग रहा है कि पहाड़ के लोग अब पिछले भू कानून में सुधार लाकर ही चैन की सांस लेंगे। यही एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के अपने अधिकारों की लड़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उत्तराखंड राज्य बना था उसके बाद साल 2002 तक अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर की गई। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 143 का धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी गई। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे। दरअसल हिमाचल इस वक्त इतना संपन्न नहीं था, डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन न बेच दें और वो भूमिहीन न हो जाएं। इससे उनकी संस्कृति और सभ्यता को खोने का खतरा था। दरअसल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लेकर आए थे। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान के तहत एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं। कमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है। इसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। उत्तराखंड के लोग भी हिमाचल जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं।